बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। 9 तारीख को जहां पूरा देश जश्न मना रहा था, एक नए कैबिनेट के स्वेरिंग इन सेरेमनी को हम राष्ट्रपति भवन पर देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आए आतंकवादी, उनके प्रायोजित आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा राउंड्स की गोलीबारी की। ड्राइवर ने बस को बचाने के लिए उसे खाई में ले जाने की कोशिश की, ड्राइवर को गोली लग चुकी थी। वहां पर कई ऐसे लोग पाए गए जिन्होंने अपने आप को मृत दिखाने की कोशिश की ताकि आतंकवादी उन्हें गोलियों से छलनी न कर सके। इस हादसे में पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका कर रख दिया। आइए इसके बाद आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये दोनों ताजा तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के, वहां के ताजा हालात को आपके लिए बयां करते हैं। जैसे कि अभी हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं कि आने वाले 60 घंटों में किस तरीके से वहां की चीजें बदली हैं। हमने आपको 9 जून की तस्वीरें दिखाई जहां शाम 6:15 पर जम्मू के रियासी में बहुत बड़ा हमला हुआ। शिवखेड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग हुई और 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, 41 घायल हैं। आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं, उनके नाम पर 20 लाख का इनाम रखा गया है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच 11 जून को रात 8 बजे जम्मू के कठुआ में पाकिस्तान के बॉर्डर के सीमा पर हीरा नगर में 2 आतंकवादियों ने वहां पर गांव के लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए और पानी मांगा। लोगों को शक हुआ, आतंकवादियों ने उसके बाद फायरिंग की, एक शख्स घायल है। डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, ग्रेनेड फेंका और इस बीच में एक आतंकवादी मारा गया, दूसरा फरार है और उसको भी देखने की कोशिश की जा रही है। तीसरे हमले की बात करते हैं जो कि अब से महज कुछ घंटों पहले हुई है। साथ 11 जून की रात को आज सुबह सुबह 1 से 2 बजे के बीच में जम्मू के डोडा में आतंकवादियों ने भद्रवाहा पठानकोट मारकोट पर राजमार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स की पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। 5 जवान और 1 स्पेशल ऑफिसर इस हमले में घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीरी टाइगर्स ने लिया है। यह संगठन अपने आप पैदा हुआ है, कहते हैं कि तथाकथित तौर पर स्थानीय संगठन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यहां पर क्या स्थिति है। ये सब पाकिस्तान के टट्टू हैं जो कि हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले करते हैं। सोचने वाली बात यहां पर अब यह है, हमने आपको 3 दिन का खाका प्रस्तुत किया, 9, 10 और 11, 11 की देर रात 3 हमले हुए हैं साहब। और इसमें इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बधाई का संदेश देते हैं, भारतीय लोकतंत्र की सराहना करते हैं और अच्छे संबंधों को बनाए रखने की दुआई देते हैं। और उसके ठीक पहले शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ, उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की जबरदस्त पैरोकारी की है साहब। यहां तक कह डाला 3 हफ्ते पहले कि लाहौर बस यात्रा लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान जब पहुंचे थे उस वक्त कारगिल का हादसा कर पाकिस्तान ने भारत के पीठ में खंजर भोंका था। अब जरा आप सोचिए यह कैसा मुल्क है साहब, कैसा मुल्क है यह, कितना दोहरापन है इस मुल्क में, जहां एक तरफ यह संबंध सुधारने की बात कर रहा है वहीं दूसरी तरफ निर्दोष प्राणियों को, निर्दोष भारतीयों को गोलियों से छलनी करवा रहा है, यह कहते हुए कि आतंकवाद है और यह स्थानीय आतंकवाद है। जाहिर सी बात है भारत ने अभी तक बहुत ही संयमित तरीके से इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की तरफ अपना रुख रखा है, लेकिन यह जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इसको आप सिर्फ ऐसे मत देखिए, इस नजरिए से भी देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी चीन की 4 दिनों की यात्रा से वापस लौटे हैं। कई तरह के समझौते उन्होंने किए हैं जहां पर पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन के सामने कटोरा लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है पाकिस्तान को। इस बार तो IMF से भी पाकिस्तान को मदद मिलने की गुंजाइश न के बराबर होती हुई दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अपनी इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन में क्या क्या समझौते किए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में
जो काराकोरम हाईवे है उसके आसपास तमाम चीनी प्रोजेक्ट्स के आसपास के तमाम इलाकों की पूरे तरीके से कंट्रोल चीन की सरकार के हाथ में, पाकिस्तान की सरकार का यहां पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। काराकोरम हाईवे और उसके 20 किलोमीटर दोनों तरफ का जो पूरा इलाका है, इस इलाके पर चीन का कानून चलेगा, पाकिस्तान का नहीं। यानी कि एक तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्सों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन को गिफ्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है, इसी के बाद आप बड़े पैमाने पर अब देख रहे हैं हाथ से। सवाल यह उठता है, जो सवाल हम आज जनहित में सरकार के सामने रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने डंके की चोट पर कहा कि हम घर में घुस कर मारते हैं। जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने का वक्त आ गया है? यह सवाल है साहब, और यह सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं है, यह सवाल आज हर भारतीय के जहन में कौंध रहा है। जो उपलब्धियां हमने 2019 के बाद धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद हासिल की हैं, वो उपलब्धियां अब हमारे हाथ से फिसल रही हैं। चेतने का वक्त आ गया है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके पहले इस तरह के आतंकी हमले ये बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर भी आतंकियों की नजर होगी। उसे शांतिपूर्ण तरीके से करा पाना भारत सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए चुनौती है। दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है? दूसरा बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराना। भाई, सबसे पहले अमरनाथ यात्रा की बात कर लेते हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए यहां पर कई तरह के चैलेंजेस हैं। जिस तरह से रियासी के श्रद्धालु जो कि बस में जा रहे थे, उनके ऊपर जो आतंकी हमला हुआ, इससे अब यह संकेत बन रहे हैं कि कोशिश होगी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेट कर रहे तमाम लश्कर ए तैयबा के संगठनों की कि वो अमरनाथ यात्रा पर हमला करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साहब? साल 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर दो बार सबसे बड़े हमले हुए, 34 श्रद्धालु मारे गए थे साहब। 2001 के हमले में 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, 2002 में 9 यात्रियों की मृत्यु हुई थी, 2006 में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, 2017 में उस वक्त मोदी सरकार थी 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस बार भी आतंकवादियों का पूरा इरादा है कि वो अमरनाथ यात्रा को पूरे तरीके से विध्वंस करें, क्योंकि इसका ट्रेलर हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए बहुत तैयारियां की हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। रियासी से कटरा की 30 किलोमीटर के राजमार्ग पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। रूट पर जो बसें चलेंगी, उस हर बस में 2 सैनिक तैनात होंगे। इसके साथ साथ 5 जगहों पर बैरक बनाए गए हैं और वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की यात्रा को सावधानी से सुनियोजित तरीके से करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जंगल या आसपास के इलाकों में लोगों को ठहरने से मना किया गया है और रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी टैग किया जा रहा है। लेकिन क्या यह इंतजाम अपने आप में काफी होंगे? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों के मंसूबे बढ़ गए हैं, और यह मंसूबे इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि दूसरा बड़ा चैलेंज आज पूरे देश के सामने है और जम्मू कश्मीर के सामने है, यह है चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। चुनाव के बाद यह तय करेगी जम्मू कश्मीर की विधानसभा कि क्या उसे राज्य का ओहदा मिलना चाहिए, और उसके लिए पैरोकारी होगी। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ने देखा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतदान किया है। 50% से ज्यादा का मतदान दर्ज किया गया है, जो कि 1996 के बाद पहला ऐसा मौका है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ने माना कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली हुई है, लेकिन पाकिस्तान इसे कैसे बचा सकता है? चीन इसे कैसे बचा सकता है, क्योंकि चीन ने अपनी सेनाओं को लद्दाख पर लगा रखा है। 50 से 60 हजार भारतीय सैनिक आज भी लद्दाख की सीमा पर चीन से आई बॉल टू आई बॉल मुकाबले में सामने खड़े हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं साहब, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में खलल पड़े, चुनाव ना हो पाए। चुनाव आयोग के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों में कम से कम 10 या 12 उम्मीदवार होंगे, तो करीब 1000 उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के चुनाव में मैदान में। सुरक्षा के लिए कम से कम
450 से 500 जवानों की जरूरत पड़ेगी और 1000 सुरक्षा कंपनियों की जरूरत पड़ेगी साथ, जिसका इंतजाम भारत सरकार को करना है। लिहाजा जब इतनी बड़ी तैनाती जम्मू कश्मीर में होगी तो आतंकवादी गतिविधियों को अगर पहले से गरमाया नहीं जाएगा तो फिर चुनाव में खला कैसे होगा। और अगर भारत सरकार यह तय करती है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करा पाना मुश्किल है सुरक्षा की वजह से, तो भारत सरकार की साख पर सवाल खड़ा होगा। जम्मू कश्मीर के लोग बीते 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर विधानसभा के चुनाव हो, उनके साथ भी यह इंसाफ नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान हर तरीके से भारत को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि आज भारत को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। धारा 370 का निष्क्रिय किए जाने के बाद से 2019 में जब एक बहुत जबरदस्त तरीके से अभियान चलाया गया, हुर्रियत के नेता अलगाववादी नेताओं को या तो नजरबंद किया गया या उन्हें जेल में भरा गया। आतंकवादियों के खिलाफ एक पूरी मुहिम तैयार की, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में 135 आतंकवादी घटनाएं हुई, इसमें 163 आतंकवादियों को मारा गया, 78 जवानों को शहादत हासिल। जम्मू कश्मीर में 2020 में 140 आतंकी घटनाएं हुई, 232 आतंकवादियों को मार गिराया गया। देखिए आंकड़ा बढ़ रहा है आतंकवादियों को मारने का, जवानों ने जो शहादत दी उनकी संख्या 56 है। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते चलिए, 2023 में सिर्फ 72 आतंकवादी घटनाएं हुई, 87 आतंकवादियों को मार गिराया गया, 33 भारतीय शूरवीरों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है उससे यह बात स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया बड़े पैमाने पर हो रहा है और अगर इस पेस को कंटिन्यू करना है तो भारत सरकार को यहां पर बहुत ही टैक्टफुली काम करना पड़ेगा। विकल्प क्या है? सबसे पहला विकल्प यह है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए जाए। दूसरा विकल्प क्या है? सीमा पार से आ रहे आतंकवादियों को सीमा पर ही उड़ा दिया जाए। तीसरा विकल्प क्या है? पाकिस्तान के सामने करो या मरो की स्थिति रखी जाए। पाकिस्तान ऐसा नहीं मानता साहब, जब तक पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर दबोचा और मारा नहीं जाएगा तब तक यह पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सुधारने की आवश्यकता है, पाकिस्तान को इज्जत लाने की आवश्यकता है कि चीन के नाम पर इतराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों को मारेंगे, हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक ये जज्बा नहीं दिखेगा तब तक जम्मू कश्मीर में इस तरह के हादसे होते रहेंगे।